कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के देखो, कोई है वहाँ पे अभी? यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने में लेट हुआ, तो उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? उन्होंने उतारे थे। क्या बात हो गई भैया? यही वो आइए आइए। क्यों, ये कौन है आपकी? कटवा दो फोन, फोन दो फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन दो, इनको ले चलिए बाहर। कोई बात नहीं, कंप्लेन करिए आपके खिलाफ। कैसे? ये पहना दो उसके कपड़े। उनको ले लीजिए महिला को कस्टडी में भी। चलो ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये नहीं जाएगी। यही है ना दीवान जी? कहाँ है वो लड़की को बुला, उसको कह दो चप्पल अपल अपने पहने, कपड़े पहना दो। वीडियो में अंडरवेयर में लेटे नजर आ रहे, यह है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के खासम खास रहे नवाब सिंह। नवाब सिंह चौधरी चंदन सिंह कॉलेज में देर रात को अंडरवेयर में एक महिला के साथ आराम फरमा रहे थे, तभी एसपी ने वहां दबिश दी। एसपी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो नवाब सिंह ने कहा, तुम अंदर कैसे आए? एसपी ने कहा कि आपके खिलाफ नाबालिग ने रेप और यौन शोषण की शिकायत की है, आपको गिरफ्तार करना है, पुलिस का सहयोग करो और साथ में चलो, नहीं चले तो अंडरवेयर में ही उठाकर ले जाऊंगा। इसके बाद नवाब सिंह ने कपड़े पहने और पुलिस के साथ जाने लगे। मौके पर मौजूद महिला फरार हो गई। यह महिला नाबालिग की बुआ बताई जा रही है। यह महिला ही नाबालिग बच्ची को नवाब सिंह के पास लेकर आई थी। नवाब सिंह ने इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। बच्ची ने नवाब सिंह की छेड़छाड़ के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया था। फ़ोन आईपीएस ने रिसीव किया और दबिश मारने के लिए पहुंच गए। नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नवाब सिंह के पास नाबालिग बच्ची को ले जाने वाली महिला फरार थी, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया है और इस मामले में कई बड़े सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का खासम खास बताया जाता है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरवी मौके पर पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें कैरियर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। सर, उम्र क्या रही होगी पीड़िता? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई।